अजनी पुलिस थाना अंतर्गत एक एटीएम फोड़ी का मामला उजागर हुआ है, जहां एटीएम से छेड़खानी कर बंटी बबली ने लाखों का माल चुराया है। गौरतलब है कि इन कुख्यातों पर विभिन्न थानों में गुनाह दर्ज है। गौरतलब है कि इस जोड़ी द्वारा कई राज्यों में एटीएम से नकदी चुराने का पता चला है। गिरफ्तार आरोपी आदिल राजू खान उम्र 20 साल फतेहपुर यूपी निवासी तथा प्रियंका सतवे सिंह उम्र 21 साल कानपुर यूपी निवासी बताए जा रहे हैं। ये दोनों पहली दफा पुलिस के हाथ लगी हैं। प्रियंका इन मामलों की पुरानी खिलाड़ी है। वह आदिल की मदद से एटीएम के शटर में पानी के आकार की प्रति पट्टी डालकर रखती है। पट्टी डालने के बाद जो भी एटीएम कार्ड धारक रुपए निकालने के लिए आता है, उसके रुपए शटर के बाहर नहीं आते हैं। पट्टी डाली होने से नोट निचले हिस्से के ट्रे में ही फंस जाते थे। कोई धारक मशीन में तकनीकी खराबी समझकर खाली हाथ लौट जाता और इस दौरान बंटी पपली एटीएम से कुछ अंतर पर खड़े होकर ग्राहक के जाने का इंतजार करते हैं। उसके जाते ही पट्टी निकालकर रुपए हासिल करके फरार हो जाते थे। बंटी पपली ने रविवार को अजनी के हनुमान नगर स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम को निशाना बनाया। एटीएम में छेड़खानी किए जाने का कंट्रोल रूम को पता चल गया। उसने अजनी पुलिस को सूचना दी। अजनी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। उसे एटीएम में पट्टी दिखाई दी। पुलिस आरोपियों के लौटने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद बंटी बबली लौट आए। वह पट्टी निकालकर उसमें फंसे 2000 रुपए लेकर जाने लगी। पुलिस ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। प्रियंका ने गणेशपेट तहसील लकड़गंज थाना परिसर के एटीएम से नकदी उड़ाने की बात स्वीकारी है। वह कई मरतबा नागपुर आई है। वह पहले अकेले ही अलग अलग शहरों में घूमकर वारदात को अंजाम देती थी और 1.5 माह पहले आदिल को भी शामिल कर लिया। ही दिनांक 11/2/2024 रोजी सकाळी 6:30 वाजता कंट्रोल रूम कॉल होता की एक दोन इसम हे एटीएममध्ये जिथून पैसे बाहेर पडतात त्या ठिकाणी काही लोखंडी क्लिप लावून ती नंतर पुन्हा तो क्लिप काढून त्याच्यातून पैसे काढत आहेत अशा प्रकारचा आमच्या नाईट ड्युटीला असलेले अंमलदार बीट मार्शल पोलीस शिपाई दीपक धांडे आणि पोलीस शिपाई तिवारी यांना कॉल प्राप्त झाला। ते कॉल प्राप्त होताच त्वरित त्यांनी कंट्रोल रूम प्राप्त झालेल्या माहितीवरून ठोंबरे भवन येथील महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेची एटीएम जी आहे त्या ठिकाणी हजर झाले आणि तिथे त्यांनी त्या माहितीवरून ते व्हेरीफाय केलं तर तसं त्यांना दिसून आलेलं होतं की त्यात लोखंडी क्लिप काहीतरी फसवलेली आहे आणि छेडछाड करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे। पण ते त्या ठिकाणी कोणी नसल्याने त्यांनी स्ट्रॅटेजिकली बाजूला थांबून कोणी येतं का याचा वाट पाहिली। त्यानंतर त्या ठिकाणी दोन इसम आले, एक महिला आणि एक पुरुष। त्यांची ते हरकती पाहून त्यांना संशय आल्याने त्यांना ते ताब्यात घेतले आणि चौकशी केली आणि एटीएमची पाहणी केली तेव्हा त्यांच्या निदर्शनात आलं की यांनी ज्या ठिकाणी एखादा व्यक्ती एटीएमचा वापर करून पैसे विड्रॉ करण्यासाठी जेव्हा जातो पिन नंबर टाकल्यानंतर जे पैसे विड्रॉ व्हायला पाहिजे ते पैसे विड्रॉ ज्या ठिकाणी होतात तो जो बाहेर फेकण्याचा जे रस्ता असतो त्या ठिकाणी ती क्लिप लावलेली होती जेणेकरून ते पैसे बाहेर पडणार नाहीत आणि हे तो व्यक्ती पैसे काढून बाहेर म्हणजे एटीएमचा वापर करून बाहेर गेल्यानंतर जी क्लिप काढल्या जातं आणि क्लिप काढल्यानंतर ते पैसे बाहेर येतात अशा प्रकारचे केल्याचे त्यांना निदर्शनात आले आणि त्यांनी ते लोखंडी क्लिप आणि ते रक्कम त्यांनी ताब्यात घेतलेली आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।